हाय फ्रेंड, हम जा रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छी जगह पे जा रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने जो इंस्टाग्राम फैमिली जितने लोग आए उन लोगों को बुलाई थी कि आप लोग आइए मऊ सेल्फी पॉइंट पे, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं मिलने के लिए। और हम गांव आए हैं तो जाएंगे ही। और सारे तो मेरी सिस्टर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा रही थी, यानी यहाँ देखिए ये भी तैयार हो चुकी है, बहुत प्यारी बहुत क्यूट लग रही थी। और इसी की फ्रेंड थे जो मिलने के लिए बुलाए थे, तो हम लोग वहाँ पर जा रहे थे। और देखिए कि हम लोग रेडी हो चुके हैं अभी, और दो सिस्टर मेरी अंदर हैं, तो हम लोग जा रहे हैं और फिर वहाँ जा के मिलते हैं। और बहुत सारा इन्जॉय भी होगा, बहुत सारे वीडियो भी बनेंगे, एंड जो जो भी चीज़ें होंगी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम मम्मी को भी साथ में ले लिए हैं और मम्मी के साथ में ही जा रहे हैं हम लोग। चार सिस्टर और एक हमारी दूसरी वाली सिस्टर है, ये पहली सिस्टर है और एक ये हमारी मम्मी है, और हम मम्मी के साथ जा रहे हैं। और पीछे जलने की बू आ रही है, तो आई डोंट नो क्यों आ रही है, मुझे नहीं पता है। देखिए तो फ्रेंड देख सकते हैं, फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं। एंड हमारी तीनों सिस्टर थी एंड मेरी मॉम थी, हम लोग ऑटो में बैठ चुके थे। एंड बता दे रहे हैं कि यहाँ घर का ही ऑटो था, तो खूब इंजॉय करते हुए जा रहे थे, क्योंकि बगल में ही हम लोग को जाना था, बहुत दूर नहीं जाना था। एंड यहाँ पे देखिए मेरी सिस्टर बैठी हुई थी, वो थोड़ी थी मतलब कहते हैं ना कि शर्मा रही थी। एंड यहाँ पे देखिए एक सिस्टर थी जो मेरी गुस्सा हुई थी, मैं उसको मना रही थी कि यार मान जाओ, एंड मान नहीं रही थी क्योंकि देखिए हाथ पैर हटा दे रही है। एंड यहाँ बीच वाली मेरी सिस्टर बैठी थी एंड मम्मी थी, और हम लोग काफ़ी इंजॉय करते हुए जा रहे थे। एंड यहाँ पे देखिए ये जाने का रूट है, और काफ़ी प्यारा मतलब हाईवे बना हुआ है हमारे घर के जस्ट बगल में ही, और यहाँ से जाने में हम लोग को बहुत आसान होता है, कहीं पे भी जाने में आसान रहता है। एंड यहाँ पे देखिए एक बीच में ही मतलब एक कॉलेज दिखा, और ये बापू मतलब कहते हैं आयुर्वेदिक कॉलेज था, और काफ़ी बड़ा कॉलेज है, हम लोग कई शहर में पढ़ता है। बापू इंटर कॉलेज भी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आयुर्वेदिक भी है, और ये बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पे पढ़ने होने के लिए सबको आपको सारी सुविधा मिल। हम लोग दोपहर में निकल गए थे, एंड इतना ज़्यादा लू चल रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, क्या ही बताएं। एंड समर का सीज़न चल रहा है ना, तो जो लू वगैरह जब चलता है ना, तो इस बीच में जाने का कहीं मूड नहीं होता है, क्योंकि बहुत काफ़ी धूप भी होता है, बट क्या किया जाए, बहुत अर्जेंट था जाना। और यहाँ पे देखिए बीच में ही भगवान जी की एक महादेव जी की मूर्ति बहुत प्यारी बनी हुई है, एंड इतना लंबा इतना बड़ा बना हुआ है। और इसी के जस्ट बगल में जो मूर्ति दिख रही है ना, आपको ये बता देना चाहती हूँ कि एक काफ़ी पुरानी मूर्ति थी, बट इसी के जस्ट बगल में जो न्यू वाली मूर्ति बनी हुई वो अभी जस्ट बनी हुई है, ये बहुत पुरानी मूर्ति है एंड ये वाली न्यू बनी है। एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे अभी पेड़ पौधे, जब पेड़ पौधे कट जाएंगे तो बहुत प्यारा व्यू बनेगा, एंड बहुत अच्छी मूर्ति है। और यहाँ पे बहुत प्यारी टेम्पल भी है, बहुत बड़ा सा। एंड यहाँ पे देखिए गोमती नदी, और पूरे नदी के बीच में ये पूरी शहर बसी हुई है, और काफ़ी प्यारा व्यू भी बन जाता है। अभी तो देखिए बहुत गंदगी संदगी है, बट जैसे ही क्लीन हो जाएगा ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड जस्ट रोड के बगल में आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए एक और प्यारा सा टेम्पल था, हम यहाँ पे आए थे इन्जॉय करने के लिए, तो सारी चीज़ें घूम रहे थे। एंड यहाँ पे देखिए मैं यहीं जस्ट के पास भी हूँ, एंड इसी के जस्ट बगल में भगवान जी की मूर्ति मेरे पीछे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे फाइनली यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे देखिए फाइनली हम वहाँ पे सारे काम करने के बाद फिर शॉपिंग करने आ गए थे, क्योंकि आपको पता है कि हम कहीं जाएं और शॉपिंग वगैरह ना करें ऐसा हो नहीं सकता। एंड यहाँ पे बहुत बड़ी मंडी थी सामान की, यहाँ पे सामान खरीदने की। एंड यहाँ पे देखिए बहुत सारे नेल पेंट वगैरह मेकअप की सामान सारी चीज़ें मिल रही थी, एंड हम यहाँ पे लेने के लिए आ गए थे, क्योंकि एक चीज़ की मंडी तो थी बट यहाँ पे सारी चीज़ें आपको कॉस्टली मिलने वाली थी। यहाँ पे सारे सामान आपको कॉस्टली मिलते, आपको कोई भी मतलब कहते सस्ते सामान नहीं मिलते। और जैसे हर जगह मंडी लगी हुई थी, तो यहाँ पे देखिए नेल पेंट वगैरह मेकअप वगैरह के सामान हम ले रहे थे, और हम जहाँ जाएं और ये सारी चीज़ें खरीदना ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम गर्ल्स को यही सब पसंद होता है। एंड यहाँ पे सामान खरीदने के बाद से फिर फाइनली हम जो है अंदर आ गए, क्योंकि और चीज़ें हमको खरीदना था, कुछ स्टॉल वगैरह लेना था। समर की सीजन आ गई है एंड धूप बहुत तेज लग रही थी, एंड मेरी सिस्टर भी यहाँ पे, तीनों लोग थी, मेरी मम्मी कहीं इसी गली में घुस गई थी सामान लेने के लिए। और यहाँ पे शॉपिंग करने के बाद से फाइनली क्या है कि हम लोग फिर वापस जो है वहाँ पे आ गए, क्योंकि हम पहले लोकेशन बता देना चाहते हैं कि हम मऊ सेल्फी पॉइंट पे आए थे। एंड हम अभी यहीं पे देखिए हम हमारी जन्मभूमि है, यहाँ पे मैं पैदा हुई, बट अभी मैं रहती हूँ, 10 ईयर हो गया मुझे बाहर रहते हुए। एंड यहाँ पे देखिए सेल्फी पॉइंट जो है, हम आई लव हमारा मऊ, और काफ़ी फेमस है एंड फेमस लोकेशन भी है। बहुत सारे यहाँ पे रील्स वगैरह भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, तो भाई हमारा मऊ तो हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे देखने के लिए। और कौन कौन मऊ से हमें ज़रूर बताएं और ज़रूर कमेंट करें, एंड वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। एंड यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ फ़ोटो वगैरह भी लिए, क्योंकि यहाँ पे आए थे स्पेशली यहीं के लिए आए थे, बट बीच में जो टाइमिंग थी तो हम लोग थोड़ा घूमने उमने लगे, और यहाँ पे देखिए इन्जॉय भी करने लगे, क्योंकि फैमिली के साथ जब जाते हैं ना, तो भाई यही सारी चीज़ें घूमने में मज़ा आती है। तो मेरी मॉम थी एंड तीनों सिस्टर थी, हम थे, बट मेरा भाई यहाँ पे नहीं था क्योंकि वो लखनऊ गया था आईपीएल मैच देखने के लिए। और यहाँ पे देखिए सारे व्यू पॉइंट बनते, और हर जगह भी ये सारी चीज़ें बन के रेडी हो चुका है, तो बहुत प्यारा बन रहा है। मैं तो बनारस में
मैं इतनी दिनों से बनारस में थी तो मैं यहाँ पे मतलब देखती थी रील्स वगैरह में कि बहुत सारे यहाँ पे बहुत सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग रील्स बनाए हुए हैं, सेल्फी पॉइंट फोटो वगैरह भी बहुत जगह में देखी थी। मैं सोची थी यार पर इतने दिनों के बाद मैं जाऊँगी तो मैं ज़रूर वहाँ पर जाऊँगी, तो मेरा मूड था एंड यहाँ पर आई थी, अपने बहन के साथ चली आई थी। और इस चीज़ में और बता देना चाहती हूँ, मैं बहुत पहले आ गई थी क्योंकि 3 o'clock आ गई थी एंड जैसे इवनिंग होगा 5 o'clock होगा वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, काफ़ी भीड़ होती है क्योंकि ये बहुत प्यारा व्यू है एंड यहाँ पर बहुत सेल्फी पॉइंट ही आप समझ सकते हैं एंड आई लव हमारा मऊ है और बहुत प्यारा लोकेशन भी है, यहाँ पे वीडियो वगैरह सारी चीज़ें शूट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग आ चुके थे, हम लोगों को कुछ लोगों से मिलना था एंड यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम तक टिकेंगे नहीं, अभी 1-2 घंटे में निकल जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे हूँ तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखा दूँ, मैं पहले ही बोली थी कि मैं जहाँ जाऊँगी सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैं और यहाँ पे काफ़ी हम लोग मतलब 1-2 घंटे समय भी बिताए और यहाँ पे मेरी बहन थी जो सिस्टर थी उसका काफ़ी रील्स वगैरह भी शूट हुआ, हमने भी रील शूट कराया एंड कौन कौन मऊ से हैं ज़रूर मुझे बताना। एंड यहाँ पे मम्मी के साथ पूरी फैमिली के साथ हमने फोटो खिंचवाई क्योंकि भाई एक याद बन जाती है एंड जस्ट ही हम 2 या 3 दिन के अंदर में यहाँ से हम चले जाएंगे, फिर कब आएंगे आई डोंट नो, तो जितने दिन हैं मैं इंजॉय कर लूँ। एंड यहाँ पे देखिए मेरी सिस्टर है जो कह रही थी कि तुम ब्लॉग शूट कर रही हो, मुझे लगा सेल्फी ले रही हो। एंड यहाँ पे देखिए मैं बैठी थी इन लोगों के साथ इंजॉय कर रही थी एंड यहाँ पे देखिए कुछ सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर मिल गए थे तो वो लोग फोटो वगैरह ले रहे थे एंड बहुत सारे लोग थे जो मैंने लिया नहीं। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें होने के बाद फिर हम वापस घर आ गए क्योंकि घर भी जाना था, हम बोले थे ना कि बहुत ज़्यादा टाइम तक हम नहीं रुकेंगे। एंड एक मेरी बहन थी जो देखिए यहाँ पे सो रही थी और काफ़ी मुझे हंसी आ रही थी। एंड यहाँ पे देखिए आने के बाद हम लोग को बहुत ऐसी भूख लगी थी यार, मैं सोची कि यार चलो कहीं कुछ खाने चलते हैं। घर आने के बाद से फिर हम लोग बगल में जस्ट दुकान था और वहाँ पे कुछ लेने गए थे, यहाँ पे टिक्की पकौड़ी वगैरह जो मिलता है। एंड गाँव में ये चीज़ें होती है ना कि ये सारी चीज़ें खाने को मिलती है। और देख सकते हैं ये पूरी नाइट हो चुकी है और पूरे नाइट में फिर यहाँ पे सारी चीज़ें लेने के बाद हम वापस घर आ गए।